कि पहाड़ों से एक आवाज आई थी। ये कहानी दादी ने सुनाई थी। एक परी रहती थी बादलों में, एक लड़का गिना जाता था पागलों में। कहता था बादलों से कोई आने वाला है, जमीन पर उतर कर मेरी सांसों में समाने वाला है। उसे बिना देखे इजहार करता हूँ, कहता था मैं उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना सब सुनकर परी ने जमीन पर आने की ठानी। माँ ने रोका, बाबा ने समझाया, पर किसी की एक न मानी। रात का वक्त चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी के नाम पर बस चांद था। अब चांद से याद आया कि चांद की रोशनी भी तो फीकी पड़ जाएगी जब वो उतर कर मेरी छत पर आएगी। तो कहानी ने नया मोड़ लिया, परी ने प्यार की खातिर ख्वाबों से रिश्ता तोड़ लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा है, मेरे सामने कौन था? कुछ बोलता क्यों नहीं, इस तरह चुप्पी साधे क्यों मौन खड़ा है? फिर उसने कहा कि माँ बाबा घर बार सब छोड़ दिया मैंने, बहुत ख्वाब सजाए थे, काफी ऊंचा उड़ना था, सब तोड़ दिया। आज से मेरे किस्मत के ताले की चाबी तुम हो, बेचैन सी मेरी धड़कन की बेताबी तुम।